भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। बांगलार मां बोनेरा आरो आमार भाई बंधु के प्रणाम जानाई। आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। नौ जनवरी को भाजपा ने देशभर में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देशभर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी बहनों को, आप सभी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सालों तक संगठन में काम किया है और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना हो, देश भर में 19-20 हजार स्थानों पर महिला समूह बैठ करके इस कार्यक्रम में जुड़े हो, ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव गांव हमारी माताएं बहनें बेटियां नारी शक्ति बंधन के लिए दौड़ लगा रही थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां दो दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया।
और इस सब के लिए इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में कार्यक्रम में था, वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोची मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा, मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा, जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा। 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार एई बार एनडीए सरकार। मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग चित्र और पोस्टर लेके आए हैं वो जरा नीचे कर दें, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है, पीछे लोग देख नहीं पाते हैं। मैंने देख लिया है, मुझे दिखाने में सबको परेशान मत करो, नीचे करो इसको, मैंने देख लिया है जी। आपके हाथ में जो पोस्टर है, जो चित्र है, जो कलात्मक चीजें लेके आए हैं, सब देख लिया है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आप इन सबको नीचे कर दीजिए, ठीक है? शाबाश, माताएं बहनें हर चीज को मान लेती हैं। साथियों,
केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार, और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था है। इन घोर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले। मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार, यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। बंगाल की हर माताएं बहने ये मेरा परिवार है। बांग्ला प्रत्येक मां बोनेरा अमर परिवार। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहने बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। हमार जोनो बांग्लार मां बोन दुर्गार मोरतो उठिए ताराय। आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं आमिर मोदी परिवार। माताएं बहने, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया हूं, तो मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन कर जाता है। बताऊं
पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवार देख रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था, आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का कर्ज चुका रहा हूं। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी है। इस धरती ने मां शारदा, रानी रासमणि, भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता,
प्रीति लता, बिना दास, नारीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लादेश संदेश खाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टिकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके इसलिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भारत की नारी शक्ति
विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1,25,00,000 से ज्यादा बहनें हैं। हमारे देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए 8,00,000 करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। बंगाल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी करीब 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और मैं तो अब जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, ये महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी जो ताकत देख रहा हूं ना, तो मैंने तो एक मीटिंग में कहा था ये सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्र सहायता समूह है, राष्ट्र सहायता समूह है। साथियों, इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब गांव गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी। अभी तक देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने के में हम सफल हो चुके हैं। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के इन प्रयत्नों से बंगाल में भी 16,00,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का ऋण लेकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले लाभार्थियों में भी सबसे अधिक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इस योजना के तहत 1,25,00,000 करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ पश्चिम बंगाल की बहनों को मिले हैं। मैं देशभर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश की लगभग 3 करोड़ महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें कारीगर हैं, हस्तकला से जुड़ी है, जूट की टोकरी बनाने वाली, मछली की जाल बुनने वाली, कपड़े की सिलाई, कपड़े की धुलाई, खिलौने मालाएं ये बनाने वाली, ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बहनों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं।
इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। मोदी ने गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बहनों को भाजपा सरकार ड्रोन देंगी जो खेती के काम आएंगे। इससे खेती भी आधुनिक होगी और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी। साथियों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच इंडी अलायंस क्या कर रहा है ये भी देश को जानना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा, लेकिन यहां टीएमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। हमने देश में 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। हम सस्ते सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में आज भी उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 14 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन टीएमसी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। मोदी हर घर तक नल से जल पहुंचाने में जुटा है, लेकिन जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं वहां ये लोग उस काम में भी रोड़े अटका रहे हैं, गति धीमी कर रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार बहन बेटियों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई है। हमें जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए नारी हित के लिए योजनाएं बनाई हैं, अभियान चलाए हैं। हमने गांव गरीब परिवार की बहन बेटियों को पहली बार सस्ते सैनिटरी पैड देने की योजना बनाई। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु को मृत्यु ये बहुत बड़ी चिंता थी। बीजेपी ने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। हमने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला लिया। पहले टॉयलेट के अभाव में आप बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था, भाजपा सरकार ने घर हो या स्कूल हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया। गरीबों को जो पक्के घर दिए जा रहे हैं उनकी रजिस्ट्री भी बहनों के नाम की जा रही है। यहां बंगाल में भी पीएम आवास योजना के लगभग 24 लाख घर महिलाओं के भी नाम पर है। आज ऐसे हर घर की कीमत कई कई लाख रुपए है। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। महिला सुरक्षा सुविधा आरो सशक्तिकरण एटा मोदी गारंटी। आज देश की पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज में पैदा हुई एक बेटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी, ये गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। और याद करिए, तब टीएमसी लेप
और कांग्रेस का रूप क्या था? इंडी गठबंधन के लोग तब भी कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ है। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा सरकार के प्रयास से आज देश के हर सेक्टर में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। नारी बंधन का इतना बड़ा भव्य समारोह, नारी सम्मान में, कमल के सम्मान में, मेरी सब माताओं बहनों से आग्रह है, आपसे भी आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। जिस जिसके पास मोबाइल फोन है सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये नारी सम्मान में है, ये नारी सम्मान में है, ये नारी बंधन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्ज्वल भविष्य के लिए है, ये मां भारती के उज्ज्वल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। और इसलिए आज नारी शक्ति पूरे देश को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, 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 वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।